और बिहार की बक्सर सीट की चुनावी लड़ाई में अब अर्बन नक्सल की बहस शुरू हो गई है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर बक्सर के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे आनंद मिश्रा ने खुद को अर्बन नक्सल कहे जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले को बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से अर्बन नक्सल कहना एक घटिया सोच है। आनंद मिश्रा पहले भी दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के आश्वासन पर वो आईपीएस की नौकरी छोड़ चुनाव लड़ने बिहार आए थे और अब बीजेपी के नेता ही उन्हें अर्बन नक्सल कहकर के अपमानित कर रहे हैं। श्री मिथिलेश जी ने मुझे अर्बन नक्सल का संज्ञा दे दिया, तो वाह, मतलब मैं यही, मतलब एक सोच की, कितनी सोच किसी की गिर सकती हो। मैं देखा कि एक खाकी का इंसान जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी राष्ट्र के नाम पे, जिसने हर तरह के माफियाओं से, सिंडिकेट से, हर तरह के क्रिमिनल से, गोद तस्करों से सबके साथ लड़ाई किया, अपनी जान जोखिम में डाली, जाके एक ऐसे क्षेत्र में काम किया जहाँ लोग घूमने भी नहीं जाते, उसको ये कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल है। तो यानी हर ऐसे खाकी का इंसान, ये हमारा शाहबाद का क्षेत्र, ये फौजियों का क्षेत्र है, ये पुलिस वालों का क्षेत्र है, ये हमारे पैरामिलिट्री के जवानों का क्षेत्र है। हम अपनी जान खतरे में लगा के इस देश के लिए, इस वतन के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं, और ऐसे लोग जो घटिया सोच रखते हैं एक दूसरे प्रदेश से आके हमारे क्षेत्र में आके यहाँ जमीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अराजकता फैलाने की भाव से आके इस तरह की जमीन के बेटे को ऐसा कह के चले जाइए, सरासर ये, मतलब ये गलत ही नहीं, ये बहुत ज्यादा, ये तो इन्होंने जघन्य अपराध किया है। मैं कहता हूं इनको माफी मांगनी चाहिए। और बिहार की बक्सर सीट की चुनावी लड़ाई में अब अर्बन नक्सल की बहस शुरू हो गई है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर बक्सर के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे आनंद मिश्रा ने खुद को अर्बन नक्सल कहे जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले को बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से अर्बन नक्सल कहना एक घटिया सोच है। आनंद मिश्रा पहले भी दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के आश्वासन पर वो आईपीएस की नौकरी छोड़ चुनाव लड़ने बिहार आए थे और अब बीजेपी के नेता ही उन्हें अर्बन नक्सल कहकर के अपमानित कर रहे हैं। श्री मिथिलेश जी ने मुझे अर्बन नक्सल का संज्ञा दे दिया, तो वाह, मतलब मैं यही, मतलब एक सोच की, कितनी सोच किसी की गिर सकती हो। मैं देखा कि एक खाकी का इंसान जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी राष्ट्र के नाम पे, जिसने हर तरह के माफियाओं से, सिंडिकेट से, हर तरह के क्रिमिनल से, गोद तस्करों से सबके साथ लड़ाई किया, अपनी जान जोखिम में डाली, जाके एक ऐसे क्षेत्र में काम किया जहाँ लोग घूमने भी नहीं जाते, उसको ये कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल है। तो यानी हर ऐसे खाकी का इंसान, ये हमारा शाहबाद का क्षेत्र, ये फौजियों का क्षेत्र है, ये पुलिस वालों का क्षेत्र है, ये हमारे पैरामिलिट्री के जवानों का क्षेत्र है। हम अपनी जान खतरे में लगा के इस देश के लिए, इस वतन के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं, और ऐसे लोग जो घटिया सोच रखते हैं एक दूसरे प्रदेश से आके हमारे क्षेत्र में आके यहाँ जमीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अराजकता फैलाने की भाव से आके इस तरह की जमीन के बेटे को ऐसा कह के चले जाइए, सरासर ये, मतलब ये गलत ही नहीं, ये बहुत ज्यादा, ये तो इन्होंने जघन्य अपराध किया है। मैं कहता हूं इनको माफी मांगनी चाहिए।